वेलकम बैक वंस अगेन वीके मैथ्स, वीके यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका लगातार डिमांड आ रहा था कि सर एसआई में जो प्रीवियस पेपर जो है बिहार का, है ना, उसको भी आप एक बार देख लेते, करवा देते, है ना। तो आपके डिमांड पे ही, है ना, मैंने प्रीवियस ईयर को दो हिस्सों में बांटा है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन में जो जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देख लेते हैं और फिर पार्ट टू में देखेंगे। तो बिना बकवास किए हुए, है ना, चलते हैं आगे की ओर और ध्यान से देखिएगा, है ना। ये जो भी भगवान है ना, शांति का प्रतीक ही होना चाहिए, है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन, है ना, क्वेश्चन नंबर वन पे चर्चा करते हैं। करा निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बिहार एसआई 24/4/2022 को आया था ना, तो सबसे छोटा संख्या दे दिया गया और फ्रैक्शन में दे दिया गया ना, भिन्न संख्याओं के फॉर्म में दे दिया गया। तो क्या आप उत्तर बता पाएंगे। तो अगर आप उत्तर नहीं भी बताते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना। तो अगर बात किया जाए तो देखिए, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एज ए बिहार एसआई मेंस स्टूडेंट आपको ये सब में ज़्यादा तरकीब वगैरह नहीं लगाना है ना। आपको सीधे जो है ना डिवीजन रूल अप्लाई करना है ना। जैसे बहुत लोग आप देखेंगे डिफरेंस मेथड वगैरह क्या क्या निंजा टेक्निक लगाते हैं, तो वो सब नहीं करना है ना। आप सीधा देखेंगे गुरु जी, अगर हम ज़्यादा कुछ अगर इसमें कर सकते हैं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अपने मन से एक जीरो बिठा दीजिए, है ना, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना, कि आपको डिवाइड देने में अच्छा लगे। नहीं तो कोई बोलेगा गुरु जी क्या 11 से 7 में भाग देना, क्या एग्जामिनर मेरे साथ मजाक किया। तो लो सब में 0 0 एक बिठा दिए। देखिए 11 से अगर 70 को अगर भाग दिया जाए तो आपको एक भाग देकर मैं दिखा देता हूँ, है ना। 11 6 66 होता है, 66, है ना, 11 6 66। शेष कितना बचा, 4। फिर डेसिमल आएगा, फिर क्या आएगा, डेसिमल, और फिर एक सुन्ना हम लोग डालेंगे बाबू, है ना। और 11 चौका हो जाएगा कितना, 44, तो नहीं कटने वाला, यानी कि 11 तिया 33, और ये कितना बच गया, 7, है ना। तो आप देखेंगे कि फिर 0 बिठाएंगे तो आपका 6 आएगा, और फिर 3, ऐसे चलता चला जाएगा ना। यानी कि आप बोल सकते हैं गुरु जी, अगर इसका देखा जाए तो 0 बिठाने के बाद 6.3 आ रहा है ना, 6 आ रहा है और आते जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, दो ही अंक में फैसला हो जाएगा। देखो 30 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, है ना, तो आप इसको काट भी सकते हैं, 2 × 4 = 15 × 30, और 15 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये 7.5 आएगा। कितना आएगा बाबू, ये 7.5 आएगा, है ना। अच्छा 50 में 7 से भाग दें तो 7 × 7 = 49, और एक शेष बचेगा, फिर 7 से भाग देंगे 1/7 को, तो 1/7 होता है 0.14 होता है, क्या होता है, 14। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। 40/5 की बात किया जाए तो 8 × 5 = 40, है ना। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन है। आप देखेंगे तो देखिए 2 7 वाले में है, 1 8 वाले में, और 6 से 1 ही स्टार्ट हुआ है ना, तो ये आपका आंसर होगा 7y = 11। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, या और किसी भी नंबर से गुना करके कंफर्टेबल बना के आप आराम से भाग दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलते हैं वाले। हाँ लेकिन ध्यान रखना है, जब भी हम 0 बिठाएं तो सब में 0 बिठाना, अगर कोई नंबर से गुना करें तो सब में गुना करना, है ना, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा, और इसका क्वेश्चन मैं एक छोटा सा वीडियो भी बनाकर दिया था, है ना, तो आई होप आपको याद होगा। लेकिन तब भी है ना, जो भी नए विद्यार्थी देखेंगे तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, है ना, इस पर मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल में अगर बात करें तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर, है ना, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, है ना। अगर इसका कलर चेंज करके अगर बात किया जाए, क्योंकि रेड कलर में मेरा क्वेश्चन है तो ब्लैक में होना चाहिए सॉल्यूशन, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो 540 का फैक्टर निकालेंगे कैसे, कि इसमें कितने गुणनखंड हैं। तो जो नए विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये मैं बताना चाहूँगा, गुणनखंड वैसी संख्याएं होती है, है ना, जो सभी संख्याएं 540 को विभाजित कर दे। एग्जांपल के लिए 1 से भी 540 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इस तरीके से कटेगा, है ना। तो कितना चेक करोगे, नहीं ना। तो एक तरीका होता बाबू, तरीका ये है जो मैं बताया हूँ पहले भी, कि 540 को बिल्कुल इस फॉर्मेट में लिखेंगे जिस तरीके से हम लोग 5वां 6ठा में पढ़ते थे ना। सबसे पहले ये डिवाइड होगा 2 से, ये हो गया 270, फिर बाबू होगा 2 से 135,
और गुरुजी ये अब 2 से नहीं कटने वाला क्योंकि आखिरी में कितना है, 5 है ना। तो अगर इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 4 तिया 12 और 15 बचा, तो 45 तिया 135। फिर 3 से डिवाइड देंगे गुरुजी तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे गुरुजी तो ये 5 हो गया। और इस तरीके से अगर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना हो हम लोग को, तो हम लोग बोले सर कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 2 बार आया है और 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है, और 5 1 बार आया। तो इसको गुरुजी इस नंबर को 540 को लिखने का जो दूसरा तरीका है, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है ना, और 3 कितने बार आया है, 3 बार, तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 इंटू है ना 5 के पावर 1, 5 1 ही बार आया है ना, तो 5 के पावर 1। हाँ, गुणनखंडों की कुल संख्या को NF से इंग्लिश में डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर है ना। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब रेड पेन जरूरी है ना, ठीक है रेड पेन ले लिया। अब बात को समझिएगा, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। अब केवल इस पावर को ध्यान देना है ना, इस पावर को ध्यान देना है ना। इस पावर को अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि एक जगह पावर 2 है, दूसरे जगह 3 है और दूसरे जगह 1। कुछ नहीं करना है आपको, ये पावर सब पावर में एक एक ऐड कर देना है। क्या क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है ना, एक एक ऐड कर देना। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है ना। 3 में 1 जोड़ें तो कितना हो गया, 4। और 1 में 1 जोड़ें तो कितना, 2। तो 3 चौका 12, 12 दूनी 24, तो 24 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसका इतिहास भूगोल नागरिक जानने के लिए है ना, वो जो मेरा छोटा सा वीडियो होगा उसको आप देख सकते हैं ना, 5 मिनट का है, उसमें मैं गुणनखंड के बारे में, सम गुणनखंड क्या होता है, विषम गुणनखंड क्या होता है, ये सब का विस्तृत हम चर्चा की है। फिलहाल में हमारा टारगेट है प्रीवियस ईयर करवाने का, आप लोग देखेंगे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। कर 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 25% उसको छूट दिया तो वो शर्ट खरीद लिया, ठीक है। छूट में कौन नहीं रहता जी, सब लोग छूट के चक्कर में रहता है। तथा 20 रुपया बचाए, अच्छा छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। तो देखिए क्वेश्चन ये जो है ना, आप लॉजिक से भी कॉमन सेंस से बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इन चीज़ों को समझाएं। देखिए बात को समझिएगा, वो जो 25% छूट दिया है वो दुकानदार उसको, उसके बाद वो 20 रुपया बचाया है, इसका मतलब ये है बाबू कि 25% जो छूट जो दे रहा था वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा 20 रुपया को, आप ऐसा बोल सकते हैं। और जो भी मूल्य होगा है ना, शर्ट का जो मूल्य होगा या MRP बोल सकते हैं, वो 100% मूल्य होगा, कितना होगा 100%। तो 25% इक्वल टू 20 है, मतलब ये 4 टाइम करेंगे तो ये मार्क प्राइस 100% निकल जाएगा, तो ये भी 4 टाइम कर देंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो एक एक नियम से भी आप बना सकते थे है ना, कि सर जी 25% बराबर 20, तो 1% बराबर 20/25, तो 100% बराबर कितना, इंटू 100% है ना। आई होप ये आपके लिए बड़ा आसान है चीज़ें है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट, बिना टाइम बर्बाद किए हुए है ना। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको बता दिया हूँ है ना, जिसको आप बना सकते हैं और क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। हाँ ये बोला गया है कि हाँ, कोण थीटा के सामने वाली भुजा डिवाइडेड बाई कर्ण है ना, कोण थीटा के सामने डिवाइडेड बाई कोण के सामने, ठीक है, कोण थीटा के आसन्न भुजा डिवाइडेड बाई कर्ण, कोण थीटा के सामने वाली भुजा डिवाइडेड बाई कोण थीटा के आसन्न भुजा है ना। तो देखिए ये सब चीज़ें बातें हो रही है और 3 रेशियो लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, जिससे गांव गांव में लोग परिचित है बिहार में है ना। अगर नहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो वो जानता होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा तो सुना ही होगा है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं जो लोग पहले से नहीं जानते हैं ना। देखिए एक समकोण त्रिभुज में है ना, किसी भी कोण को अगर हम कंसीडर करें, जैसे मान लिया हम इस कोण को थीटा मान ले है ना, तो थीटा अगर ये है बालक है ना, तो पेन चेंज करने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो थीटा के सामने वाली जो भुजा है ना, इसी को बोला गया है कोण थीटा के सामने वाली भुजा, ये क्या है, कोण थीटा के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लिख दे रहा हूँ लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी, सामने वाला भुजा, सामने भुजा, ठीक है। अब इसको बालक है ना लंब भी बोला जाता है, क्या हिंदी में बोला जाता है, लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, पी है ना।
और दूसरा एक टर्म सब जगह यूज हुआ है ना, आसन्न भुजा, थीटा का आसन्न भुजा। आसन मतलब बगल में बैठना, आसन लगा बोलता नहीं है गांव में, हे आसन लगा के बैठो जी, मतलब बगल में बैठो, है ना। तो ये बाबू क्या है, ये जो आसन वाला जो भुजा है इसकी बात हो रही है, मतलब थीटा जिसके साथ है उसी को आसन्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन्न भुजा। एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं आप, आसन्न भुजा। और इसमें त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है 90 डिग्री के सामने वाला, इसी को कर्ण बोलते हैं। ये महाभारत वाले कर्ण है, जो सबसे बड़ा योद्धा थे, तब भी हार गए थे ना, धोखाधड़ी में। धोखाधड़ी में हारे थे कि नहीं? ट्रिक से हारे थे ना। और ट्रिक का मतलब क्या होता है? धोखा, है ना। तो आप समझिएगा चीज़ों को। अब इसके बारे में अगर बोला जाए तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं लाल बटक कक्का, है ना, ये लंब, ये आधार, आसन भुजा को क्या बोलते हैं? आधार। और ये कर्ण, तो हम लोग पढ़े थे क्या, लाल बटे कक्का, ल आ, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, लाल को ला प्लस आ, लाल, लाल बट्टा कक्का, का का आ कक्का, ऐसे करके, है ना, ठीक। अब जैसे लंब बटा कर्ण है बाबू, उसको क्या बोलेंगे? साइन थीटा बोलेंगे, है ना। लंब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे? थोड़ा पेन भी स्टाइल मार लेते हैं, है ना। ये वाला क्या है बाबू, है ना, इसको ऊपर, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? लंब, है ना, इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको क्या बोलेंगे? आधार, सॉरी, इस लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया कॉस, और इन दोनों का डिवीजन इसको बोलते हैं क्या? टैन। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, है ना, बताते हैं, है ना। तो लंब बटा कर्ण मतलब कोण के सामने लंब था, तो कोण के सामने बटा कर्ण, ये क्या है? साइन थीटा। यानी कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण, ये क्या हो गया? ये आपका साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरा जी है कोण थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब क्या? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या है? कॉस। यानी कि आधार बटा कर्ण क्या हो गया? ये कॉस। अब तीसरा क्या है, कोण थीटा के सामने वाली भुजा और कोण थीटा के आसन्न भुजा, सामने वाली भुजा ये हुआ लंब और ये क्या? आधार। लंब और आधार, लंब और आधार क्या है? टैन थीटा। तो ये जो बचा जो ऐसे भी टैन थीटा हो जाएगा, है ना। ज़्यादा आप उसको, मतलब आपको बहुत बेइज्जती कर रहा बिहार एसआई के एग्जाम में, बोल रहा है कि ये सब ही तुम नहीं जानते हो, ग्रामीण व्यवस्था से अगर हो एसआई बनने आए हो तो, है ना। तो कौन कौन सा हुआ? ए का हुआ दो, ए का दो, ए का दो किस में है? कुछ ऑप्शन तो गलत नहीं ना टाइप किया गया है, ए का दो, हाँ ऐसे है जी, दो नंबर ए के लिए, दो नंबर किसके लिए? ए के लिए, दो नंबर किसके लिए? ए के लिए, ठीक है। और सी नंबर का एक, सी नंबर का एक इसमें भी है, मैच ही करवा लेते हैं एक बार। और बी का तीन, है ना, बी का कौन सा? तीन नंबर कॉस थीटा, ये तीनों मैच हो रहा है इसमें, यानी कि आंसर वुड बी दिस, आंसर वुड बी दिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? आंसर है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना, चीज़ें आपसे बेहतर क्लियर होगा। बहुत सारे वीडियो में बोल रहे थे कि लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं सर, है ना, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ फटाफट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को पढ़िए और बना सकते हैं या बाद में आप तो स्क्रीनशॉट लेकर जो भी कर सकते हैं, है ना। ध्यान से देखा जाए अगर तो बोला गया पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है ना, उनकी आयु का गुणनफल 147 है ना, 147 वर्ष, वर्ष ईयर, है ना, साल। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल आप बेसिक तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आपसे आसान क्वेश्चन ही पूछा जाएगा बिहार एसएससी में। तो देखिए फादर और सन का रेशियो दिया है कितना? 3:1, है ना, 3:1 है। तो इसको देखिए अगर रेशियो है तो आप बचपन से ही पढ़े हैं माना कि अनुपातों के बीच की राशि x, एक 3x है और दूसरा x बोल सकते हैं 1:x, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 147। अब बोलिए गुरु जी 3x² की वैल्यू दिया गया कितना? 147, है ना, बढ़िया से लिख देते हैं जी, कभी कभी बोर्ड में दिक्कत हो जाता है। 3 से काटेंगे तो 49 टाइम में कटेगा, है ना, कितना टाइम में? 49 टाइम में। और एक्स बराबर, एक्स स्क्वायर बाय 49 है तो रूट लेंगे दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो यहाँ से हम बोलेंगे गुरु जी एक्स की वैल्यू 7 हुआ तो ये 3x है और ये 1x है। यानी कि प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो फादर और सन के बारे में अगर सोचा जाए, विचार किया जाए, क्या किया जाए? विचार। तो विचार करने के बाद ये पता चले गुरु जी ये 3x था और x की वैल्यू 7 है, तो 7 या 21 हो जाएगा और ये 7 एकम 7 हो जाएगा,
ये वर्तमान हुआ, लेकिन आपसे पूछा गया क्या 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पिताजी का उम्र बढ़ेगा बेटा उतना पे रहेगा, ऐसा नहीं होता बाबू, है ना। तो 21 5 कितना, 26, 7 5 12, दोनों का रेशियो लेंगे तो 13 2 26, 6 2 12, तो 13:6 ये आपका विकल्प रहा। आई होप आपको समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन ही आया था बिहार SI 24/2022 को, है ना। तो पहले मैंने 2022 वाला ही क्वेश्चन करवा दिया बालक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा फटाफट, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और उत्तर देने की प्रयास करेंगे या सीखेंगे या एक बार ऑब्जर्व करके जाएंगे परीक्षा से पहले, है ना। इस वीडियो को सब जगह फैला दीजिए, है ना, कि ये जो प्रीवियस पेपर आया है ना 2022 20 18, जब भी एग्जाम हुआ सभी क्वेश्चन का यहाँ पे, है ना, कलेक्शन मिलेगा। तो फैला दीजिए वीडियो को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, फैलाएगा क्या, सब लोग मेंस थोड़े ही लिख रहा है जी। किसी भर की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक से मापा गया, बहुत बढ़िया, मापते रहो, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत बताएं, है ना। तुम शुद्ध हिंदी में लिखा गया है ना, परिकलित त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, है ना, क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत, ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखिए बात को समझिएगा, वर्ग के बारे में अगर जाने तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और क्षेत्रफल होता है बाबू ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। तो देखिए इसको बनाने का अगेन 2-3 मेथड हो सकता है, लेकिन जब भी अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया जो है आपका 2 डायमेंशनल ए स्क्वायर है, क्या है बाबू 2 डायमेंशनल ए स्क्वायर, मतलब ए में अगर चेंजेज करेंगे तो वो जो चेंजेज है 2 बार चेंज होगा, है ना, और दोनों मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये सक्सेसिव के द्वारा बनेगा। और इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, कहीं भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात हो और ख़ास करके मल्टीप्लाई वाले में ये लगता है, तो इस फॉर्मूला के द्वारा बना सकते हैं, इसको धोखा में ना आए आप, ये प्लस है ना, जहाँ घटेगा वहाँ माइनस भी कर सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको और ध्यान देते हैं, मान लिया घटेगा बाबू तो इसके जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक, प्लस माइनस यहाँ पर भी लिख देते हैं, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, है ना। तो अगर हम बात करें 2% का अधिक मापा गया मतलब बढ़ा ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं गुरुजी 2 प्लस 2 4 तो होगा ही, और 2 × 2/100, 2 × 2/100, तो ये 4 है और ये भी 2 × 2 4 ही है, 4 को 100 से भाग दिया जाए तो 0.2 अंकों के बाद शिफ्ट करेगा, है ना, तो 4.04%। अच्छा बहुत बुड़बक लोग जो है ना वो ऐसे करता है कि पहले 2 से 50 को काटेगा, फिर 25 करेगा और फिर 25 से 1 को भाग देता है, वैसे बुड़बक को मेरा सलाम, है ना। अब जब भी अगर आपको डेसिमल शिफ्ट करना रहे तो 10 रहे तो 0.1 अंक बाद, 100 रहे तो 0.2 अंक के बाद, 1000 रहे तो 0.3 अंक के बाद, इस तरीके से ही बनाएंगे, है ना। बहुत लोग वैसे करने में जानते हो जल्दी जल्दी में 4.4% मार देगा, तो वैसा नहीं करना प्लीज, है ना। देखो तुमको इतना बुड़वक समझाया जी कि 0.4 भी दिया है 4.4 भी दिया है ना। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैं आगे चलता हूँ बालक और अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन अगेन मैं वीडियो में करवा चुका हूँ, आई होप आपको ये पता होगा, है ना। तो इन चीज़ों पे मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको, है ना, जो जो पेपर में आया था बिहार SI का एक साथ, है ना। पहला टर्म लिखा गया है, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये गाँव गाँव में लड़का जानता है। अरे एक बात बताएं, हमारे चाचा जी भी जो मैथ उतना नहीं पढ़ते हैं वो भी एक बार इस फॉर्मूला की बात कर दिए थे बचपन में। अच्छा तुम पढ़ते हो मैथ तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, नींद में ही बोल देगा लोग कितना 1। लेकिन अगर कोई भैया लेवल के आदमी है ना जो पढ़ रहे हैं करेंट, तो वो पूछेंगे कि क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माने स्क्वाट स्क्वायर थीटा 1 होता है, थोड़ा सा सोचेंगे लेकिन बोलेंगे हाँ होता है। इसके साथ एक फॉर्मूला और होता है बाबू, इसको आइडेंटिटी बोला जाता है, है ना। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर, समकोण त्रिभुज बनाकर। तो क्या इससे ये फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या, अगर लेफ्ट राइट भी करेंगे तो नहीं कर रहा, तो दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। सेकेंड वाला क्या है बाबू, रॉन्ग है, है ना। तो सेकंड वाला रॉन्ग है, यानी कि केवल 1 और 3 सही होने वाला है, केवल और 1 और 3 सही होने वाला है।
है ना, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, है ना, और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां की ओर, है ना, देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ बेहद खूबसूरत और साधारण प्रश्न है, है ना। क्वेश्चन नंबर आठ की अगर बात करें तो ये लिखा गया है कि जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 7 के पावर 7 को अगर 4 से डिवाइड करना हो तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा आपसे लॉजिकली क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपल ही पूछा है। अगर केवल पहले आप 4 से 7 को डिवाइड करें, है ना, केवल, तो दो तरीके से आप इसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो 4 एकम 4 और 4 लिख के शेष 3 लिख सकते हैं, 4 घटेगा तो, और दूसरा लिख सकते हैं 4 दूनी 8, है ना। दोनों मैं समझा देता हूं, है ना, 4 को 7 डिवाइड, तो एक लिख सकते हैं 4 एकम 4 और शेष कितना बचेगा 3, और एक लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और शेष कितना लिखेगा -1। दोनों शेष ही है, एक 3 है एक -1। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का जोड़ अगर देखें, एक को पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं, एक को निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब एक को धनात्मक शेषफल और एक को ऋणात्मक शेषफल बोलते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को, है ना, -1 को नहीं, जैसे 3 शेष आया और एक निगेटिव में 1 आया, तो 3 और 1 को ऐड किया जाए तो जो डिवाइड कर रहे हैं उसके बराबर होगा, है ना। तो देखिए चीजें है पावर 7 में, है ना, तो अगर शेषफल अगर मान लिया जैसे ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि नहीं, 7 × 7 × 7 × 7 7 बार लिखा जाएगा कि नहीं, 7 टाइम लिखा जाएगा, है ना, 7 टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करेंगे बाबू तो हमारा शेषफल 3 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, तो बहुत बार गुना करना होगा तो हम -1 लेके चलते हैं, तो -1, फिर दोबारा में भी अगर इसमें डिवाइड करेंगे तब -1 ही होगा, दोबारा फिर -1 ही होगा, और ये कितने बार आएगा, 7 बार आएगा, कितने बार आएगा, 7 टाइम्स आएगा, कितने बार आएगा, 7 बार -1 शेष आएगा। तो किसी भी माइनस को ऑड टाइम गुना करते हैं, 7 तो आपका ऑड टाइम है, है ना, आप बोल सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, है ना, तो -1 अगर 7 बार गुना होगा तो क्या आएगा, -1, क्या आएगा बाबू, -1। लेकिन आंसर जो है हमेशा एग्जाम में पॉजिटिव में ही देना है, किसमें देना है, पॉजिटिव में। तो अगर ये 4 से डिवाइड करने पे -1 शेष आया, इसका मतलब कि हमने बताया कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम है वो हमेशा जिससे आप भाग दे रहे हैं वो होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। तो अगर निगेटिव में अगर 1 आ गया है तो ये तो 3 होगा ना, तभी तो इन दोनों का जोड़ 4 हो पाएगा जी, तो अभी तो प्रूफ किए थे बालक, यानी कि -1 आंसर नहीं देना है, इसके जगह आंसर क्या दे देना है बाबू, 4 में से 1 घटा के कितना दे देना है, 3 दे देना, और आंसर वुड भी 3। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताया हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बालक, और दिस इज द क्वेश्चन, है ना, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप निगाहें भी बिठा सकते हैं इस पे, है ना। क्वेश्चन है, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय मूल्य 4635 रुपये, है ना, 4635 रुपये, है ना, 4635, 6855, है ना, 7230, 6927, है ना, 6532 रुपये है, और 6500 रुपया औसत विक्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु 6ठे महीने में कितना बेचना होगा। तो देखो जी ऐसा है, अगर सिचुएशन देखा जाए तो कि 1, 2, 3, 4, 5 मूल्य दिया गया है ना, 5 मूल्य दिया गया है और 6ठा गायब है, और सभी का औसत कितना है, 6500 है, तो 6ठा का क्या है। तो देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम बोल सकते हैं गुरु जी ये सबका जोड़ प्लस 6ठा महीना बराबर कुल योगफल आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर 6500 औसत दिया गया, 6500 औसत दिया गया कितने महीने का, 6 महीने का, यानी कि प्रत्येक महीने का अगर औसत देखा जाए तो 6500 है, और 6 महीने तक का विक्रय की अगर बात कर रहा है तो इसको अगर आप देखें मल्टीप्लाई करें तो 6×5=30 और 6×6=36, है ना, तो 36 दिन 39,000 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39,000 रुपया सभी साल का विक्रय मूल्य है,
है ना, इन सब को जोड़ें अगर हम, है ना, तो जोड़ने पे क्या होगा, 2 7 9, 9 5 14, 5 19 का 9, हाथ में एक, हाथ में कितना बाबू, एक, तो 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20 का सुनना, हाथ में दो, हाथ में कितना बाबू, दो, फिर दो फिर यहाँ जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 9 16, 16 2 18, 5 23, 23 4 27 का 7, हाथ में दो, फिर दो जोड़ेंगे बाबू, 6 2 8, 8 6 14, 7 21, 6 27, 6 33, यानी कि 33,709 रुपया 5 साल का योगफल है, प्लस छठे साल का मान लेते हैं एक्स, बराबर है बाबू कितना, 39,000। तो आपको पता है कि एक्स का जो वैल्यू है छठे साल में जो निकालना होगा हमें, 39,000 माइनस करना होगा कितना, 33,709, यानी कि 09 घटेगा तो लास्ट में 91 आएगा बाबू, पूरा घटाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और एक ही ऑप्शन में 91 है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं पड़ेगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, कैसे मैंने पूरा घटाया नहीं, है ना, आप देख सकते हैं क्योंकि एक ही में 91 था ही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, 10 व्यक्ति, सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाना है, सभी को एक दूसरे से क्या करना है, हाथ मिलाना है, हाथ मिलाने पे हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं, हैंडशेक की बात हो रहा है। देखिए एक फॉर्मूला के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, तो मैं इसको आपको सिखा दूँ, है ना, कैसे सिखाता हूँ कि अगर 10 आदमी समाज में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आदमी हो गए बाबू, तो 10 आदमी अगर समाज में हैं और कितना हैंडशेक होगा, इसके लिए अगर लॉजिकली अगर आप देखें, लॉजिकली अगर देखें, तो एक आदमी को फिक्स करते हैं पहले, एक आदमी को, पहला आदमी को देखें, तो पहला आदमी 9 आदमी से हाथ मिला सकता है कि नहीं, है ना, तो पहला आदमी कितने आदमी से हाथ मिला सकता है, 9 आदमी से, इसको फिक्स कर दिए तो इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा आदमी को पकड़ेंगे और इससे इसको अगर देखेंगे, देखिए ये ऑलरेडी हाथ मिला चुका है तो ये अब दोनों कभी हाथ नहीं मिलाएगा, है ना, तो टोटल 10 आदमी थे, 10 आदमी में ये 9 शेष आदमी से हाथ मिलाएगा, जो दूसरा आदमी है वो 8 ही आदमी से हाथ मिलाएगा, और तीसरा आदमी है जो 7 ही आदमी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि एक बार जब हाथ मिला लिया अगल बगल में तो दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा, है ना, इसलिए तीसरा आदमी इस पे जब आएंगे तो ये 7 ही लोग से हाथ मिलाएगा, और इस तरीके से डॉट 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 करते हुए लास्ट वाला आदमी जो है एक आदमी से हाथ मिलाएगा, है ना, किससे मिलाएगा, एक आदमी से। अगर इन सभी का अगर जोड़ देखें तो इसको फॉर्मूला के द्वारा लिख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं, जैसे एग्जाम में मान लें फॉर्मूला भूल गए, एसआई में जा रहे हो बालक, तो आपके पास समय ही समय होगा, जीएस तो तुरंत बना लोगे, जीएस में क्या है आपके लिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम पास किए हैं तो समय तो बहुत बचेगा, सभी को जोड़े तो 9, 9 में एक जोड़े तो 10/2, तो 9 5 45। अच्छा इसमें कुछ ऐसे भी बालक होंगे जो चाह रहे होंगे कि इतना बकवास नहीं करना है, कुछ शॉर्टकट बताइए, हम बोलेंगे कि देखो इसके लिए जब भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो डायरेक्टली लगा देना n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यहाँ n क्या होगा, देखो यहाँ n स्टार्ट हुआ था 9 तक, है ना, वो अलग कहानी है, ये फॉर्मूला में क्या है बाबू, 10 आदमी है, कितना आदमी है, 10 आदमी, सॉरी ये 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 10 व्यक्ति, देखो इत्तेफाक 10वां क्वेश्चन भी 10 व्यक्ति भी तो 10 को अगर यहाँ पुट कर दें, 10 व्यक्ति तो 10 इंटू, है ना, 10 माने से कितना, 9/2, तो 9 5 45। तो लॉजिक से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, अगर अखमुन्ना छाप हो तो याद कर लो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बालक फटाक, है ना, हाँ ये क्वेश्चन भी मैं छोटा वीडियो में समझाया हूँ जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों को मानों को शामिल करते हुए इंक्लूडिंग, है ना, कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य, बड़ा सही बात पूछा है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बाबू, 5 से, कहाँ तक गया है, 555, जिनके घर में 555 उनके कपड़े चमके हरदम, सुने होंगे, तो 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा,
फिर 15 आएगा, ऐसे करते हुए बाबू कहाँ तक जाएगा, 555 तक। बाबू ऐसा है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों को इंक्लूड करना है ना, और सबके बीच में गैप क्या है, 5-5 का है। तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टर्म, ऐसी संख्याएं कितनी है, जैसे 1, 2, 3, ऐसे तो काउंट नहीं कर पाएंगे ना आप, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए सीधा फॉर्मूला आप लिख लीजिए जो आपको हम पहले बता चुके हैं। नंबर ऑफ टर्म बराबर हो जाएगा क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म, दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस, प्लस 1, प्लस क्या 1। और अब बारी है रेड पेन की, अब बारी किसकी है, रेड पेन की। तो लास्ट टर्म कितना है बाबू, 555 माइनस 5 है पहला टर्म, और डिफरेंस भी 5 ही है सब में, डिफरेंस भी कितना है, 5 ही है, आगे भी चलेंगे तो डिफरेंस कितना है, 5, प्लस कितना 1। तो देखिए ये 550 से डिवाइड करेंगे तो 550 को 11 × 55 110, मतलब ये वैल्यू 110 आ जाएगा है ना, और 110 में एक जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 111। तो ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन खटाक है ना। क्वेश्चन में क्या सेटिंग है, देखो 11 से कटने वाला 55 555, ठीक है, दसवां था 10 हाथ मिलाने वाला बहुत सही जा रहे हैं ना। तो सेशन को है ना शेयर कर दीजिएगा और लोगों को बता दीजिएगा है ना कि ये बिहार SI का यहाँ पे सारा प्रैक्टिस अवेलेबल है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आया है दो पार्ट में होगा है ना। और छोटा मोटा बात तो नहीं बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए है ना, ये सब आप लोग खुद समझदार हैं, हमको पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, तब तो SI का मेंस दे रहे हैं जी है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825 11 से विभाजित है। 11 का विभाजिता का नियम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ है ना, कि अल्टरनेट में डिजिट का सम है ना और उसका डिफरेंस 11 या 11 के मल्टीपल या 0 से या 0 होना चाहिए है ना। तो अगर हम बात करें बाबू, अगर हम लोग बात करें काला पेन लेकर है ना या ब्लू पेन लेकर, ठीक, अगर बात करें बाबू तो 5 में अगर हम लोग देखें तो 5 के अगला टर्म क्या है, 2, और 6 और 2 8, यानी कि एक अल्टरनेट में हो गया 8 और एक बार अल्टरनेट में क्या हो गया, 5+A, तो -5+A, तो ये तो डिफरेंस इसका 0 हो ही सकता है, 11 की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बाबू मैक्सिमम जो नंबर है कितना है, 8, तो 8 − 5+A बराबर कितना है, 0। तो आप लिखेंगे गुरु जी 8 = 5+A, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 − 5 = 3, तो 3 इसका सही उत्तर था, जो बिहार SI 26/12/2021 को आया, कब आया बाबू, 26/12/2021 को शिफ्ट 2 में आया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, घबराएं नहीं, सारा क्वेश्चन बताएंगे। चलो, यदि किसी भिन्न को इससे ही गुना किया जाए, मतलब उसी भिन्न से गुना किया जाए, तो इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए, इसके गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या था, ओरिजिनल भिन्न क्या था, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा, जैसे है ना, जैसे थाना में भी देखते हैं कि बड़ा अधिकारी जैसे जैसे दरोगा को बोलता है वैसे वैसे वो नचता है जी, बोलेगा पेट्रोलिंग करना पेट्रोलिंग करना, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है बाबू वैसे वैसे काम करना। यदि किसी भिन्न को इससे ही गुना किया जाए, अगर मान लेते हैं हम कि भिन्न है P/Q, क्या है बाबू, P/Q है ना, पेन ले लेते हैं, ठीक, हाँ भिन्न है मान लेते हैं P/Q, चलो साइड हो जाओ जी, हाँ भिन्न है P/Q और इसी से गुना करोगे P/Q को ही, तो कौन सा चमत्कार कर रहे हो है ना। फिर गुना करे तथा इसके गुणनफल को, गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा गुणनफल होगा, इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए, व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा Q/P भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 होता है। 512 क्या होता बाबू, 27 होता, 512 क्या होता है, 27। अच्छा इसको अगर आप देखेंगे तो P²/Q² है, P²/ क्या, Q²। अच्छा बाबू अब बचपन में पढ़े होंगे कि नीचे जो टर्म होता है उसको उल्टा होके गुना हो जाता है, तो पेन चेंज करने की बारी आ गई है, तो ये उल्टा होके गुना जब होगा बाबू तो ऊपर P चल जाएगा नीचे Q आ जाएगा और ये रिजल्ट हो जाएगा क्या, 512/27। अब देखेंगे कि पावर एक एक है दोनों में, तो ऊपर में ये ऐड हो जाएगा पावर क्योंकि मल्टीप्लाई में है बेस सेम, तो P के पावर 3 यहाँ पर लिख देता हूँ,
पी क्यू बटा क्यू के क्यू बर क्यू क्यू बराबर क्यू का क्यू बराबर है ना 512/27। अगर आप दोनों तरफ घनमूल निकालते हैं तो पी बटा क्यू बराबर 512 का क्यू बाबू होता है 8 और 27 का कितना होता है 3, तो 8/3 आपका क्या है आंसर है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक एक चीज़ को मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन की बारी है बाबू, चलिए फटाफट हमको सब क्वेश्चन आपको दिखाना है ना, और वीडियो भी आपसे शेयर करवाना है। कह रहा 1.9 का स्क्वायर 3.49 √3 16 9y 16, कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है? तो देखो 1.9 की बात किया जाए, केवल 19 के बारे में अगर आप सोचे, केवल किसके बारे में सोचे बाबू, 19 के बारे में, तो 19 के बारे में अगर आप सोचते हैं तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, कितना होता है 361, तो दशमलव एक अंक के बाद है, लेकिन स्क्वायर होगा तो दशमलव दो अंक के बाद हो जाएगा, है ना, और ये 3.49 है ही। अच्छा, रूट थ्री का मान बचपन में जरूर पढ़े होंगे अगर स्कूल गए होंगे तो, 1.732, तो 2 × √3 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 17 × 2 = 34, 3 × 2 = 6, यानी कि इसको 2 अंक तक लिखा जा बाबू तो 3.46। देखो कितना क्लोज इनकाउंटर हो रहा है। अच्छा 69/16, 16 × 64, 4 समथिंग आएगा, इसको तो सोचना ही नहीं है। हाँ सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 के बाद कुछ आएगा और ये सब अभी 3 ही में भटक रहा है और ये 4 पहुंच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 69/16। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बातें, है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन बाबू, इसको कटना पड़ता है घड़ियाल जी को। चलो जी ये क्वेश्चन देख लो जी, खटाक है ना। बोला गया है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए और बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन देखो जी, एक वर्ग है जिसका नाम क्या है ए, नामों में क्या रखा है ए, ए एक वर्ग है जिसका भुजा कितना है 2, 2, 2, 2, क्लियर है ना। अब पेन चेंज करने की बारी है। अगला है बात है कि एक मतलब एक वर्ग है जिसका भुजा बी है और सॉरी एक वर्ग है जिसका नाम बी है और भुजा इसका भी 2 ही सेंटीमीटर, तो इसके साथ जोड़ दें तो भाई साहब 2, 2, 2, ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों गोतिया है और एक ने ब्लू कलर से पेंट करवाया है अपने घर को सेम जमीन को और एक ने रेड कलर से, दोनों को घर के अगर एक साथ अगर आप कंसीडर करें है ना तो एक घर बन गया, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो उसका जो आगे वाला जो बाउंड्री है चौड़ा हो जाएगा, 2, 2 कितना हो जाएगा 4, और ये बन गया आयत, ये क्या बन गया बाबू आयत है ना, ए है ये बी था, तो ये पूरा इसका लंबाई हो गया 4 और ये चौड़ाई तो 2 ही रहेगा ना घर का, तो 4 × 2 आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 × 4 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे है ना। चलिए है ना 15 तक पहुंच गए, आधा सफ़र कंप्लीट हो गया, चलिए जल्दी आधा सफ़र में चलते हैं बाबू है ना। चलिए 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए टाइम एंड वर्क का हम लोग का सीरीज चल रहा है, उसमें जल्द ही आएगा, फिलहाल में देख लें एक लाइन का 5 सेकंड का क्वेश्चन आइए है ना। 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 35 मैन किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं 6 दिन में कर सकते इंटू 6 डेज, ठीक। अब 15 व्यक्ति को उसी काम को करना है, 15 मैन को उसी को काम को करना है तो कितने दिन में करेंगे? मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे खत्म है ना, और काटने के लिए कलर चेंज करना जरूरी होता है ना, एम से एम कैंसिल है ना, एम से एम क्या कैंसिल, अगर काटेंगे बाबू तो 2 × 6 = 5 × 15 और 5 × 7 कितना 35, 7 × 2 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 14 हो जाएगी, तो आई होप समझ में आ रहा होगा है ना। बिना वक्त गवाए हुए समय बर्बाद किए हुए आपका मैं तेज़ी में आपको आगे तक लेकर चलता हूँ जैसा आपका डिमांड था। 2 संख्याओं का अंतर 1660 है, बहुत बढ़िया। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएं क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान एवं निर्लज क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछने में कोई लाज शर्म भी नहीं है एग्जामिनर को है ना, ऐसा ही पूछता है जी जी है ना, ठीक। चलो देखते हैं बाबू क्या है क्वेश्चन। 2 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या 1 है, 1 का 7 का मतलब क्या गुना, बचपन में ही पढ़ा दिए थे सरकारी स्कूल वाले सर है ना, पहला का 7.5%
दूसरे के 12.5% के बराबर, 12.5%। तो बाबू है ना, काटने के लिए आपको तो इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं पेन चेंज ही करूँगा, है ना। तो देखो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, दशमलव एक अंक के बाद उधर भी है, एक अंक के बाद इधर भी कैंसिल हो गया। देखो आपको पता है 25 पत्तियाँ 75 होता है और 25 पच्चे 125 होता है, यानी कि पहला वाई दूसरा का अगर रेशियो देखें, है ना, तो 5 तो उधर ही रह जाएगा बाबू, है ना, दूसरा इधर भागा में, और 3 ये नीचे चल जाएगा। बहुत लोग बुड़बक लोग ये भी सोचता है कि 1 का वैल्यू 3 है और 2 का वैल्यू 5 है, कभी नहीं, 1 का वैल्यू 5 है और 2 का वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखिए बाबू इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, 2 यूनिट की वैल्यू जो दिया गया जो डिफरेंस है वो कितना है, 1660। तो एक यूनिट बराबर बाबू अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 और 30 दूनी 60, 830। आपसे पूछा गया दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या 5 है, एक संख्या कितना बाबू 5, तो 5 इंटू 830 करेंगे, सुनना, पांतिया 15, 8 पचे 40, 41, एक संख्या 4150, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 4150, है ना, एक ही ऑप्शन में 4150 है, तो दूसरी संख्या ये होगा। ऐसे आप 3 इंटू 830 करेंगे तो आ जाएगा, है ना, तो एक ही ऑप्शन से काम चल गया। ये नहीं कि वहाँ ईमानदार बनने जाना, है ना, कि सर हम दिया है एग्जामिनर दोनों निकालने तो दोनों निकालेंगे, है ना, ठीक है तुम्हारी मर्जी, समय की तो कोई कमी होगी ही नहीं, ऐसा थोड़ी है जी कि आप लोग इंडिया लेवल पर फाइट कर रहे हैं, अरे बिहार में फाइट कर रहा हूँ ना, एक ही आंसर से काम चल जाएगा। चलो आगे चलो, एक निश्चित धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपया है, तो उसके संगत साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए अगर आप मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बातें समझ में आई होगी, है ना, देयर आर मेनी मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना, लेकिन हम लोग उतना लनफन बात नहीं करेंगे। 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1365 है, तो आपको ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं कि 10% का जो 2 साल के लिए जो बात करेंगे बाबू, है ना, 10% का जो 2 साल के लिए बात करेंगे वो ऐसे बताए थे, है ना, इसको घड़ियाल के नीचे लेके, हाँ क्या बताए थे, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, और ये बाबू रटवा दिए हैं आपको, है ना, ये हो जाएगा 21%, क्या हो जाएगा 21%, है ना, यानी कि 21% की वैल्यू कितना दे रहा है, 1365। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1365/21, है ना। आपसे संगत साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज तो यही दोनों साधारण है, है ना, साधारण बताया था महात्मा गांधी जैसा, 20% है डायरेक्टली इंटू 20। अब देखो काटते हैं कितना स्टाइल में, 21 छका छबील से नहीं, और बचा कितना 10 बचाना जी, और 10 पे 5 10 5 15 नहीं जोड़ देना, 10 पे 5 105, तो 21 5 105। अब केवल बालक 65 को अगर 20 से गुना कर दे तो 65 × 130 होता है, 1300 आंसर है। अब देखो मेथड बहुत सारा हो सकता है, ये डिबेट है ना, लेकिन हम लोगों को काम जो करना है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, सचेत होकर जाना है ना, कल के डेट में इल्जाम नहीं लगाना क्योंकि हमारा मास्टर करवाया नहीं था, है ना, ये सब हम नहीं सुनना चाहते हैं। चलो ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है जी, बोल रहा है कि 1500 रुपये का 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो साधारण ब्याज के लिए तो बचपन से ही बोल दिया गया है, है ना, माता पिता एवं गुरुजन द्वारा, कि बालक ज़्यादा दिमाग भी नहीं है लेकिन तुम एक फॉर्मूला अगर पढ़ लेगा, है ना, जो हम भी बता ही देते हैं, PRT/100, पी मूलधन होता है जी, आर रेट होता है, और टी टाइम होता है, PRT/100, है ना, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आप बोले कि ठीक है ये तो आप समझाए थे, लेकिन ये जुलाई फरवरी से हम कब पढ़ा पाए हैं। हम बोले कोई घबराओ मत, देखो 21 फरवरी से जाना है आपको कहाँ तक, 16 जुलाई तक, कहाँ तक, 16 जुलाई। इसमें टाइम ही ना काउंट करना है, घबरा क्यों रहे, एक दो दिन आगे भी पीछे होगा उसका भी ट्रिक बता देंगे। अगर आपको नहीं भी पता है कि जून कितना का था, जुलाई कितना का था, तब भी आंसर आएगा, आपको घबराना, एक आपको मोटा मोटी चाहिए। अच्छा ये वाला जो बात है ना, कोई नहीं बताएगा कि मोटा मोटा चाहिए, है ना। देखो ये जब दिन में है तो जब भी एग्जामिनर जो डेटा देगा, या तो 73 दिन देगा, या तो 146 दिन देगा, या तो 219 दिन देगा, है ना,
इसी 73 के मल्टीपल में ही देगा बालक। तो ये आप समझ लो कि मोटा मोटी यहाँ से कितना दिन होता है, हमको फाइनली लेना है वही वाला जो होता है। तो 21 फरवरी से मान लेते हैं 2018 है, तो ये लीप ईयर रहे या ना रहे ये भी छोड़ देते हैं आप ही पे। इसमें 7 दिन हो जाएगा बाबू, है ना। अब मार्च आएगा तो मार्च में मान लेते हैं बाबू 31 का महीना मान लेते हैं 31, फिर मान लेते हैं बाबू अप्रैल 30 मान लेते हैं, फिर मई 31 मान लेते हैं, जून 30 मान लेते हैं, और जुलाई 31। जुलाई में 31 होता है लेकिन 16 जुलाई तक चाहिए, यानी कि 16 दिन टोटल इतना ही दिन होगा ना। अब बोलेंगे यस, 7 1 8 1 7 1 8 1 9 6 15 के 5, हाथ में 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13 और 13 1 14, यानी कि आप जो है 145 दिन लिए, यानी कि ये 8 दिन हो सकता है। ये कितना दिन हो सकता है? 8 दिन, है ना। नहीं भी पता है तब भी आंसर आएगा, 145 आया तो 146 में ही कैलकुलेशन करना। एक दिन के ब्याज के बारे में आप चिंता नहीं करें। अब देखो 146 को अगर वर्ष में चेंज किया जाए, किस में चेंज किया जाए? वर्ष में। तो बाबू 365 दिन बराबर एक साल होता है, 365 दिन बराबर कितना होता है? एक साल। तो 146 दिन बराबर 365 से डिवाइड करेंगे तो 73 दूनी 146, 73 5 365, यानी कि जो ईयर जो है 2/5 ईयर है। कितना है? 2/5 ईयर। अब आपका क्वेश्चन बन गया बाबू, है ना। ध्यान से देखिएगा, मूलधन है कितना? 1500 इंटू, है ना। देखो बाबू 144 भी जोड़ के आता तब भी हम 146 से लेते हैं ना, क्योंकि एग्जामिनर इतना बुड़बक नहीं है कि 144 दिन 147 दिन का, वो 146 ही टारगेट करके दिया। तो 1500 इंटू रेट, रेट है बाबू आपका 7.5%, यानी 15/2, 15/2 कितना? 2, और डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम कितना आया? 2/5, 2/ कितना? बिल्कुल ऐसे करके ही बनाना एग्जाम में, है ना। जब भी रहेगा तो 73 के मल्टीपल में रहेगा, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 5 3 15, 2 2 कैंसिल, 2 0 2 0, 15 3 कितना? 45, 15 3 45। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा, ये जो मैं दिन समझाया कि आप एक दिन आगे पीछे भी रहेगा तो अभी 146 पे निकालेंगे। एग्जामिनर इतना बुड़बक नहीं है कि 73 के मल्टीपल में होगा 146 आपको देगा 149 153, वैसा बात नहीं है। आपका बैंक मैनेजर बना रहा है, अरे एसआई ना बना रहा है जी, चौकीदारी करने के लिए थाना में। हाँ चलो 20 नंबर क्वेश्चन फटाफट। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 25% कम में खरीदता था 10 रुपया कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रयमूल बताएं। जियो एक ही क्वेश्चन है तो सही पूछा है। बोला कि एक आदमी 25% लाभ पर बेचता है, पहला लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जैसे बोला गया बाबू ऐसे ऐसे करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि प्रारंभिक क्रयमूल 100 रुपया, कितना है प्रारंभिक क्रयमूल? 100 रुपया। ध्यान से समझिएगा, है ना। हाँ ठीक, तो प्रारंभिक क्रयमूल अगर 100 रुपया अगर मैं मान लूँ बालक, है ना, 100 रुपया 25% लाभ पे बेचेगा तो 125 रुपया में बेचा। इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई विद्यार्थी को इतना में कोई हबड़ाहट कोई कह दस कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, ये सब लोग जानता है। लेकिन इसके बाद की कहानी देखो, यदि जहाँ यदि हो जाए बाबू तो समझो मामला गड़बड़ है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, पॉसिबल है ना, उतना इंटरेस्टेड नहीं है। यदि वह उसे 25% कम में खरीदा होता, जो क्रयमूल आपने 100 माना उसमें 25% कम होता, 25% क्या होता? कम होता। तो 100 का 25% 25 कम होना मतलब 75 में खरीदने की बात हो रहा है। ये नया क्रयमूल है, ये क्या है बाबू? नया सीपी, है ना। 25% कम में खरीदा होता और 10 रुपया कम में बेचा होता, भाई साहब ऑलरेडी मेरे पास विक्रय मूल्य है पुराना वाला, इसको सीपी मान लो और इसको, सॉरी इसको सीपी और इसको एसपी, इससे कम में बेचा होता, मतलब एक पहले ही एक विक्रय मूल्य का कल्पना कर लिया हुआ, विक्रय मूल्य तो अभी तक हमको पते नहीं है, तो कितना कम में बेचा होता? 10 रुपया एग्जैक्ट वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना? 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया, ठीक है। तो 10 रुपया कम में बेचा होता, यानी कि इन दोनों का जो भी नया विक्रय मूल्य होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस 10 रुपया, कितना है? 10 रुपया। इसको हम ध्यान रखते हैं कि गुरुजी ये डिफरेंस 10 रुपया बोला है, कोई बात नहीं। तो लाभ होता कितना? 50%। जब भी लाभ होगा तो क्रयमूल पे होगा, और एक बार क्रयमूल पे लाभ तुम ले लियो 25%, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर ने दिया है 50% लाभ ये वाला नया क्रयमूल पे। तो 75 का 50% निकालना हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। 75 का 50% मतलब आधा करके जोड़ना है, सीधा सीधा यही है, आधा
37,5 होगा कि नहीं? नहीं होगा जी। 75 का आधा कितना? 37.5, ज़्यादा लाभ। 75 में 37 जोड़ोगे तो हो जाएगा 30 जोड़ देंगे तो बाबू 37 75, फिर जोड़ ही देते हैं, 75 + 37.5 जोड़ना। तो देखो 75 में 37.5 अगर जोड़ोगे तो 7 5 12 2 है ना, ध्यान से देखना, 7 5 12 2 हाथ में एक, और बाबू 7 3 10 1 11 112.5, ये 112 क्या है? 112.5 है बाबू, 112.5। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो कमी हो रहा है वो क्वेश्चन में तो 10 रुपया दिया है, लेकिन जो 100 के अकॉर्डिंग जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर मात्र कितना है? 12.5 की कमी है। कितनी की कमी है बाबू? 12.5 यूनिट की कमी है, यानी 12.5 यूनिट की वैल्यू 10 रुपया है। 12.5 यूनिट की वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो आपसे पूछा क्रैमूल बताएं, तो है कितना यूनिट? 100 यूनिट मान के चले हो तुम, यानी कि सीधे लिखेंगे गुरु जी क्रैमूल अगर निकालना है अगर हमें तो कितना निकालना है? 100। तो हम पहले ही घड़ियाल तैयार करेंगे कि 100 से गुना करना होगा, लेकिन 1 बराबर कितना? तो 10/12, 10 बटे कितना? 12.5, और 12.5 × 8 100 होता है जी, 12 8 96, 8 5 40 100 होता है इसको। अच्छा, बहुत लोग जो भोला है ना, इसको 25/2 लिख के आराम से काट सकता है जी। तो 10/8 कितना? 80 रुपये। ये रहा आपका आंसर, एक ही तो क्वेश्चन ने शानदार दिया है ना, SSC CGL लेवल का। ठीक, अगला क्वेश्चन 21वां नंबर। चलो जी, एकदम खटाखट होगा। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर ली तो ट्रेन की गति क्या? हम बोल दिए कि कहीं भी हवा में चले, पानी में चले, या कहीं भी चले है ना, आकाशगंगा में चले, दुनिया में एक ही फॉर्मूला बना ही है ना, डिस्टेंस व स्पीड इनटू टाइम। इसके अलावा अगर कुछ सोचा ज़्यादा इधर उधर मास्टर के चक्कर में है ना, तो काम गड़बड़ा जाएगा है ना। ट्रेन है और एक खंभे को पार करेगा तो उतना अपनी लंबाई को पार करेगा, 250 मीटर लंबाई को। ये ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं है ना। और गति पूछ रहा बाबू है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं स्पीड x है, टाइम कितना है? 12। तो अगर आप देखेंगे x बराबर 250/12 हो गया, तो 250/12 आप आंसर ढूंढेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। आपको ये भी मैंने बताया है कि जब भी मीटर पर सेकेंड में रहे, क्या रहे बाबू? मीटर पर सेकेंड में है ना, ये क्या है? मीटर, और ये क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर बटे सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा आदमी बनाना है तो बड़ा से गुना करेंगे, बड़ा है कौन? 18/5 जो 3.6 के बराबर होता है। देखो अब कितना स्टाइल में काटेंगे, 2 × 6 = 3 × 6 = 18, 50 × 5 = 250, और 2 से कितना टाइम है? 25 टाइम। 25 को 3 से गुना करेंगे बाबू, तो 25 × 3 = 75 किलोमीटर/आवर। ये रहा आपका विकल्प सी। तो जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ बालक है ना, वो चीज़ें आपके साथ लागू हो रहा है, आपको घबराना नहीं है ना। चलिए, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेवारी ये है कि ये 2019 बिहार SI का आया हुआ क्वेश्चन को फिर से मैं यहाँ पर बताऊँ है ना, बड़ा फटाफट बताऊँगा। बोला कि एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर है ना 6 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, 6 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। फॉर डिटेल जानकारी यू गो टू माई चैनल एंड सर्च प्लेलिस्ट है ना, जिसमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा। फिलहाल में क्या क्या बताए थे? 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है ना, लाभ नहीं हुआ, हानि हुआ, तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य 6 रुपया होगा, यानी कि हानि हो गया गुरुजी 6, हानि कितना हो गया? 6। और 144 कुर्सी बेचे हो तो 144 कुर्सी का विक्रय मूल्य 144 है, तो क्या नीचे में विक्रय मूल्य होगा? नहीं, नीचे क्रय मूल्य। तो जो हानि को अगर दे देंगे इसमें तो ये क्रय मूल्य बन जाएगा कि नहीं? अगर मान लिया 144 में बेचा, तुमको 6 का घाटा है, तो तुमको घाटा को लौटा दिए तो क्रय मूल्य पे पहुंच जाओगे ना जी, वही चीज़ की। तो परसेंटेज जो लॉस होगा बालक 6/144 × 100 डायरेक्टली, इससे ज़्यादा शॉर्टकट अभी दुनिया में नहीं बना है ना, बनाने के लिए वेट करें आप है ना, कितना भी कोई गला फाड़ फाड़ के बताए। 150 है तो 25 × 6 = 150, 144 में 6 जोड़ने के लिए अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाए ना तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। तो 25 × 6 = 100, तो कितना हो गया बाबू? 4%। आई होप 22 नंबर तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, 23वां देखते हैं जल्दी जल्दी में है ना, फटाक फटाक।
दो चार पांच क्वेश्चन और होगा पार्ट वन में, चलिए देखते हैं। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है जी। देखो टेलीविजन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अगर क्रय मूल्य को अगर बाबू मान लें 100, क्रय मूल्य को क्या मान लें 100, है ना, क्रय मूल्य को क्या मान लें 100, तो क्रय मूल्य 100 हो गया, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस, अंकित मूल्य बाबू, अंकित मूल्य 120 हो जाएगा 20 अधिक है तो, और 10% की छूट दिया जाए तो छूट देके क्या करोगे, घर में रखोगे कि बेचोगे, घर बेचोगे ना, कितना 10%, तो 10% अगर छूट देने का मतलब है कि 120 का 10% 12 की छूट, कितना का छूट 12 का छूट, 12 घटा दोगे बाबू तो 108 आएगा। अब लाभ हानि के लिए हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही देखते हैं, बाकी आंख बंद कर लेते हैं। तो 100 का सामान खरीदा 108 में बेचा तो 8 का फायदा हुआ, लेकिन 100 पे निकालना है तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा बाबू 8%। अगला क्वेश्चन फटाफट, 50 लीटर के मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, मैंने 20% 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तब तो फिर मजा खत्म हो जाएगा जी। तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है ना, तो देखो अगर 50 लीटर में बाबू अगर 20% अल्कोहल है तो 50 का 20% 50 × 20/100 करेंगे कि नहीं आप? आप बोलेंगे गुरुजी इतना तो समझ में आता है कि अगर 50 का 20% है तो 50 का कितना बाबू 20%, तो 50 का 20% अगर हम निकालते हैं तो अल्कोहल होगा 50 का 20% 10 लीटर, 50 × 20/100 करेंगे तो कितना 10 लीटर। और अब अल्कोहल का कंसंट्रेशन पूछ रहा, उसमें अगर हम 10 लीटर पानी मिला रहे हैं तो 10 लीटर पानी मिलाने से क्या उसमें अल्कोहल बढ़ जाएगा? नहीं, अल्कोहल तो उतना को उतना ही ना रहेगा जी, आपका मिश्रण बढ़ जाएगा, जो गैलन में आप ये सब काम कर रहे होंगे मिश्रण बढ़ जाएगा, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि अब 60 में 10 है अल्कोहल, तो अल्कोहल का परसेंटेज ये हो गया इंटू कितना 100, ऐसे अगर परसेंटेज पढ़ेंगे तो 1/6 का परसेंटेज होता है 16.2/3%, ऐसे अब भाग भी देंगे 100 को 6 से आराम से, है ना, पूजा पाठ करके तब भी 16.2/3% आएगा बाबू। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ रहा होगा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर है ना 25, जल्दी ही खत्म होना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 4 वर्ष में 80,000 रुपये होता तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे बना सकते हैं बाबू कि अगर 5,000 रुपया अगर है, 5,000 रुपया 4 साल में, अरे चलिए मेरा पीडीएफ चला गया लेकिन इसको लाया जा सकता है क्या, मैं कुछ देखता हूँ, है ना, अदरवाइज 5,000 रुपया 6,500 हुआ था ना, चल ठीक है मैं देख लेता हूँ पीडीएफ अगर आ जाता है तो, इम्पोर्ट पीडीएफ क्लाउड, नहीं नहीं क्लाउड नहीं था, स्टोरेज सॉरी, ओके है ना, लेट्स ट्राई, पीडीएफ के हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो गया, कोई नहीं अब भावनाओं को समझेंगे उम्मीद करते हैं, है ना। और ये हो गया 7 मार्च, तो कोई नहीं यहीं तक रहने देते हैं, सेकंड सीरीज में मैं जो भी 5-6 क्वेश्चन बचा है इंक्लूडिंग 30 क्वेश्चन और, है ना, चीज़ों को मैं देख लूँगा। नहीं नहीं लगता खुल गया जी, कोई नहीं, है ना, नहीं 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 ये दूसरा खुल गया, तो आपका 2-3 मिनट वेस्ट करने के लिए सॉरी, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो नेक्स्ट सीरीज में मैं देख लूँगा। और इस वीडियो को फैला दीजिए, प्रीवियस पेपर है, 2 पार्ट में होने वाला है, तो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा कि मैं अगला लाऊँ या ना लाऊँ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।